हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमओएस क्लासेस। आज हम सेवेंथ क्लास मैथ एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट से लेकर सिक्स्थ पार्ट तक सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा गया स्टूडेंट्स फाइंड, और फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है 12 डिवाइडेड बाय 3 अपॉन 4, यानी हमें 12 को डिवाइड करके दिखाना है 3 अपॉन 4 से। इस एक्सरसाइज की जो बेसिक वीडियो है स्टूडेंट्स, उसमें हमने आपको बताया था कि अगर आप दो ऐसे नंबर्स को डिवाइड करते हैं जिनमें से अगर एक भी नंबर फ्रैक्शन में है तो हम उसके लिए कौन सा मेथड यूज करेंगे। एक तो हम इस डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज कर देते हैं, और डिवाइड से राइट साइड में जो ये नंबर होता है इसका हम रेसिप्रोकल ले लेते हैं। रेसिप्रोकल का मतलब न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना देते हैं और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना देते हैं। तो यही मेथड हम इस क्वेश्चन को सोल्व करने में यूज करेंगे। देखिए, सॉल्यूशन में पहले तो हमने इस क्वेश्चन को यहां पर एज इट इज लिख लिया है, 12 डिवाइडेड बाय 3 अपॉन 4। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो 12 है ये तो यहां पर एज इट इज आ गया। डिवाइड के साइन को हम चेंज कर देंगे मल्टीप्लाई में, और 3 अपॉन 4 का हम रेसिप्रोकल लेंगे। तो 3 अपॉन 4 का रेसिप्रोकल होगा 4 अपॉन 3, यानी कि डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाएगा और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर न्यूमरेटर में 12 है और यहाँ डिनोमिनेटर में 3 है। ये 12 और 3 को हम आपस में सोल्व कर सकते हैं, ये दोनों ही 3 से कटते हैं। तो देखिए, 3 1 3 एंड 3 4 12। अब न्यूमरेटर में यहां भी 4 है, यहां भी 4 है, 4 × 4 16 होता है, तो यहाँ 16 आ जाएगा। यहाँ 12 के नीचे कुछ नहीं दिख रहा, मतलब यहाँ 1 है। तो डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 × 1 1 होता है, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में 1 आएगा। डिनोमिनेटर में 1 लिखे या ना लिखे फर्क नहीं पड़ता। तो फर्स्ट पार्ट का हमारा फाइनल आंसर आ गया स्टूडेंट्स 16। हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि जब हमने 12 को डिवाइड किया 3 अपॉन 4 से तो हमें क्या आंसर मिला, हमें 16 मिला। अब हम सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट में हमें गिवन है 14 डिवाइडेड बाय 5 अपॉन 6, यानी हमें 14 को डिवाइड करना है 5 अपॉन 6 से। अभी हमने आपको बताया था स्टूडेंट्स कि अगर आप दो ऐसे नंबर्स को डिवाइड करते हैं जिनमें से अगर एक नंबर भी फ्रैक्शन में है तो उसके लिए हम क्या मेथड यूज करते हैं। हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर देते हैं, और डिवाइड के बाद जो नंबर होता है उसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये 5/6 फ्रैक्शन में है, तो हम यही मेथड यहां पर यूज करेंगे। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले तो हमने इस क्वेश्चन को एज इट इज लिख लिया है, 14 डिवाइडेड बाय 5 अपॉन 6। अब देखिए स्टूडेंट्स, 14 एज इट इज आ गया, डिवाइड को हमने चेंज कर दिया है मल्टीप्लाई में, और 5 अपॉन 6 का हम रेसिप्रोकल लेंगे। 5 अपॉन 6 का रेसिप्रोकल होता है 6/5। अब ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स कि यहाँ न्यूमरेटर में 14 है और यहाँ डिनोमिनेटर में 5 है। 14 और 5 आपस में सॉल्व नहीं किए जा सकते हैं, तो हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। तो न्यूमरेटर में 14 है यहाँ पर और यहाँ पर 6 है, 14 × 6 84 होता है, तो यहाँ पर न्यूमरेटर में 84 आ जाएगा। यहाँ 14 के नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो 1 × 5 करेंगे तो 1 × 5 5 होता है, तो यहाँ डिनोमिनेटर में 5 आ जाएगा। तो अब हम कह सकते हैं कि 14 को अगर डिवाइड किया जाए 5/6 से तो क्या आंसर मिलता है, 84/5। अब हम थर्ड पार्ट करेंगे। थर्ड पार्ट में हमें गिवन है स्टूडेंट्स 8 / 7/3। तो सबसे पहले तो सॉल्यूशन में हमने इस क्वेश्चन को एज इट इज लिख लिया है, 8 / 7/3। अब इस 8 को यहां पर हमने एज इट इज रखा, डिवाइड को चेंज कर दिया मल्टीप्लाई में, और यहां पर इस 7/3 का अब हम रेसिप्रोकल लेंगे स्टूडेंट्स। 7/3 का रेसिप्रोकल होता है 3/7। अब ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ न्यूमरेटर में 8 है और यहाँ डिनोमिनेटर में 7 है। 8 और 7 आपस में सोल्व नहीं किए जा सकते हैं, तो हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। तो न्यूमरेटर में यहाँ 8 है और यहाँ पर 3 है, 8 × 3 = 24 होता है, तो यहाँ न्यूमरेटर में 24 आ जाएगा। यहाँ डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, मतलब 1 है, 1 × 7 करेंगे तो आपको 7 मिलेगा, तो यहाँ डिनोमिनेटर में 7 आ जाएगा। तो अब हम कह सकते हैं कि 8 को अगर डिवाइड करें 7/3 से तो क्या आंसर आता है, 24/7। अब हम फोर्थ पार्ट करेंगे। फोर्थ पार्ट में हमें गिवन है 4 / 8/3। सबसे पहले तो सॉल्यूशन में हमने इस क्वेश्चन को एज इट इज लिख लिया स्टूडेंट्स, 4 / 8/3। अब देखिए, ये 4 यहाँ पर एज इट इज आ गया,
डिवाइड की जगह यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन आएगा, और यहाँ 8/3 का हम रेसिप्रोकल लेंगे, तो 8/3 का रेसिप्रोकल होगा 3/8, तो यहाँ पर 3/8 आ गया। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर न्यूमरेटर में 4 है और यहाँ डिनोमिनेटर में 8 है, ये 8 और 4 आपस में सोल्व किए जा सकते हैं, ये दोनों ही 4 से कटते हैं। तो देखिए 4 1 4 एंड 4 2 8। अब यहां पर देखिए न्यूमरेटर में 1 है और यहां न्यूमरेटर में 3 है, तो अब हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। तो यहां पर न्यूमरेटर में 1 है, यहां न्यूमरेटर में 3 है, 1 × 3 3 होता है, तो यहां न्यूमरेटर में 3 आ जाएगा। यहाँ 4 के नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है, और यहाँ डिनोमिनेटर में 2 है, 1 × 2 2 होता है, तो यहाँ डिनोमिनेटर में 2 आ जाएगा। तो अब हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि जब हमने 4 को डिवाइड किया 8/3 से, तो हमें क्या आंसर मिला, 3/2। अब हम फिफ्थ पार्ट करेंगे। फिफ्थ पार्ट में हमें गिवन है 3/2:1/3। तो इसके सॉल्यूशन में सबसे पहले तो हमने इस क्वेश्चन को एज इट इज लिख लिया है, 3/2:1/3। अब ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये जो मिक्स फ्रैक्शन हमें गिवन है 2:1/3, पहले हमें इसको चेंज करना होगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो ये 3 तो यहाँ पर एज इट इज आ गया, डिवाइड का साइन भी एज इट इज आ गया, और इस मिक्स फ्रैक्शन को हमने यहाँ पर चेंज किया है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। देखिए 3 to the 6, 6 + 1 7 होता है, तो यहाँ न्यूमरेटर में 7 आएगा, अपॉन में यहाँ 3 है, तो यहाँ भी अपॉन में 3 आएगा। अब देखिए, जब भी दो ऐसे नंबर्स को आप डिवाइड करते हैं जिनमें से अगर एक नंबर भी फ्रैक्शन में है, तो हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, हम इस डिवाइड को चेंज कर देते हैं स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई में, और डिवाइड की राइट साइड में जो नंबर होता है उसका हम रेसिप्रोकल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर 3 एज इट इज आ जाएगा, डिवाइड को यहाँ हमने चेंज किया मल्टीप्लाई में, और 7/3 का यहाँ हमने रेसिप्रोकल लिखा 3/7। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ न्यूमरेटर में 3 है और यहाँ डिनोमिनेटर में 7 है, ये 3 और 7 आपस में सोल्व नहीं किए जा सकते हैं, तो यहाँ पर हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 × 3 9 होता है, तो यहाँ न्यूमरेटर में 9 आ गया, यहाँ 3 के नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो 1 × 7 7 होता है, तो यहाँ डिनोमिनेटर में 7 आ गया। तो हम कह सकते हैं कि अगर 3 को डिवाइड करें 2:1/3 से, तो क्या आंसर मिलता है, 9/7। अब हम सिक्स्थ पार्ट करेंगे। सिक्स्थ पार्ट में हमें गिवन है 5/3:4/7। तो सबसे पहले हमने सॉल्यूशन में इस क्वेश्चन को एज इट इज लिख लिया है, 5/3:4/7। अब यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, ये जो हमें मिक्स फ्रैक्शन गिवन है, हम पहले इसको चेंज करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो ये 5 एज इट इज आ गया, डिवाइड का साइन भी एज इट इज, और इस मिक्स फ्रैक्शन को यहाँ हमने चेंज किया है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। देखिए 7 × 3 = 21, 21 + 4 = 25 होता है, तो यहाँ न्यूमरेटर में 25 आ गया, अपॉन में 7 है, अपॉन में ये 7 एज इट इज आ गया। अब हमें क्या मिल गया है, 5/25/7। और यहाँ पर हम जानते हैं स्टूडेंट्स कि अगर हम दो ऐसे नंबर्स को डिवाइड करें जिनमें से अगर एक नंबर भी फ्रैक्शन में होता है, तो हम उसके लिए कौन सा मेथड यूज करते हैं, एक तो हम इस डिवाइड को चेंज कर देते हैं मल्टीप्लाई में, और डिवाइड की राइट साइड में जो नंबर होता है उसका रेसिप्रोकल लेते हैं। तो देखिए यहाँ 5 एज इट इज आ गया, डिवाइड को चेंज किया मल्टीप्लाई में, और 25/7 का यहाँ पर हमने रेसिप्रोकल लिखा, 25/7 का रेसिप्रोकल होता है 7/25। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ न्यूमरेटर में 5 है और यहाँ डिनोमिनेटर में 25 है, 5 और 25 को आपस में सोल्व किया जा सकता है, ये दोनों ही 5 से कटते हैं। तो देखिए 5 1 5 एंड 5 5 20। अब हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ न्यूमरेटर में 1 है और यहाँ न्यूमरेटर में 7 है, 1 × 7 7 होता है, तो यहाँ न्यूमरेटर में 7 आ गया, यहाँ 5 के नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो 1 × 5 5 होता है, तो यहाँ डिनोमिनेटर में 5 आ गया। तो अब हम कह सकते हैं 5 को अगर डिवाइड किया जाए 3:4/7 से, तो क्या आंसर आता है, 7/5। आई होप स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है, तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।